रायपुर में हनुमंत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान कथा कर रहे हैं। वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिव्य दरबार लगाया, जिसमें कुछ लोगों की अर्जियां लगी हैं। इस दौरान साधना न्यूज के संवाददाता ने कथा सुनने गए लोगों से खास चर्चा की है। इस वक्त हम मौजूद हैं रायपुर के कोटा में आयोजित हनुमंत कथा में, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 23 जनवरी से 27 जनवरी तक हनुमंत कथा कर रहे हैं। आज उन्होंने दिव्य दरबार लगाया था, जहां कुछ लोगों की अर्जियां लगी और उनके मन में जो प्रश्न होते हैं उसको पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने उनके बताने से पहले ही अपने पर्चे में उनका प्रश्न लिख दिया, साथ ही उसका उत्तर भी लिख दिया। उसके बाद उन्होंने एक और दरबार लगाया, जिसमें प्रेत बाधाएं जिनको होती है उनका भी उन्होंने समाधान किया। सीधे लोगों से जानते हैं कि वो कहां से आए हैं, कितना उत्साह है। आप देख सकते हैं कि कितना ये जो पंडाल है खचाखच लोगों की भीड़ से जो है भरा हुआ है। जनता का यहाँ जनसैलाब उमड़ गया है, लोग जो है कथा सुनने आ रहे हैं, उनके दिव्य दरबार में पहुंचे हुए थे। आंटी जी, आप कहाँ से आए हैं? मोवा सड्डो से आए हैं। आज पंडित जी दिव्य दरबार लगाए थे, तो दिव्य दरबार में थे आप? हाँ, आधे में थे। अच्छा, आधे में थे, तो क्या देखे आपने? अच्छा लगा, सबको आशीर्वाद दे रहे थे। तो अभी कथा सुनेंगे? हाँ सुनेंगे शाम। तो देखिए, पंडित जी 3 बजे तक अपना दिव्य दरबार लगा के रखे थे, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। उसके बाद उनका कथा जो है वो भी शुरू हो जाएगा। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? ये टाटीबंद से। टाटीबंद से आए, तो यहाँ पंडित जी का कथा सुनने आए? हाँ, कथा सुनने आए। तो देखिए, यहाँ छत्तीसगढ़ से बाहर से भी लोग जो हैं वो आ रहे हैं यहाँ कथा सुनने के लिए, उनके दिव्य दरबार में अर्जियां लगाने। तो और भी लोग हैं, कहाँ से आए हो आप? हम लोग तो यहीं से हैं, रायपुर से ही। रायपुर से ही हम लोग को। अच्छा, पंडाल किस तरह से व्यवस्थाएं देख रहे हैं आप यहाँ? देख रहे हैं लोग जैसे भीड़ है, लोगों की बैठक व्यवस्था पे आप? जी हाँ, अपन कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल व्यवस्थित हो। पहले ही हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि कहाँ पे कौन बैठना है, कैसे, कोशिश कर रहे हैं कि वैसे ही हो। और देख रहे हैं जैसे की भीड़ है यहाँ पे, लोगों की जो भीड़ है संभालना बहुत मुश्किल है, मगर लोग समझदार भी हैं। जैसे समझाया जा रहा है, जैसे बताया जा रहा है, देखिए लोग धूप में भी बैठे हुए थे। श्रद्धा और आस्था लोगों की जैसे होती है, ठीक नहीं भाई? तो बिल्कुल, देखिए पंडाल तो पूरा भरा हुआ है, लेकिन पंडाल के बाहर जो एरिया है वहाँ लास्ट तक जो है, मतलब जहाँ से शुरुआत होती है पंडाल की, एंट्री गेट होती है, वहाँ तक लोग जो है बैठे हुए हैं। पंडाल के आइट साइड की भी बात करें तो लोग जो है पंडाल के आइट साइड में भी बैठे हुए हैं, जहाँ पंडाल खत्म हो जाता है। यहाँ निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की गई है, चिकित्सा सहायता के लिए यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था है, कई हॉस्पिटलों ने अपना यहाँ लगा के भी रखा है, साथ ही और बहुत सारे सुविधाएं, मतलब किसी भी तरह से लोगों को असुविधा ना हो इसका पूरा यहाँ ध्यान रखा गया। आंटी जी, कहाँ से आए आप? हम यहीं से आए हैं, कोटा से। कथा सुनने आए पंडित जी? हाँ जी। दिव्य दरबार में थे आप? नहीं थे, अभी आ रहे हैं। अच्छा, देखिए तो कुछ लोग अभी आ रहे हैं, कुछ लोग दिव्य दरबार में नहीं थे। तो और भी लोग हैं, देखिए किस तरह से लोग जो है अपने परिवार के साथ आए हैं, बच्चे आए हैं, बूढ़े बुजुर्ग आए हैं, सब अवस्था के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं, दुर्ग जिले से आई हूं। कब से आए हैं आप? हम कल से आए हैं जी। कथा सुनने ही आए? कथा सुने हैं, आज का दिव्य दरबार भी देखे हैं, और कल 26 जनवरी के कारण हमको स्कूल में जाना पड़ेगा। तो हम दरबार में क्या देखा आपने? बहुत सारा चीज देखा, बहुत अच्छा लगा हमको। तो हम बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं एक बार जरूर। तो देखिए लोग यहाँ बिल्कुल ये आस लेके आते हैं कि बागेश्वर बालाजी की उन पर कृपा बने रहे। अम्मा, कहाँ से आए हैं आप? मैं संतोषी नगर रायपुर से। हाँ, तो दिव्य दरबार में थे आप? आज आई हूँ बेटा। हाँ, दरबार देखे? जो दिव्य दरबार नहीं देखे हूँ। अच्छा, दिव्य दरबार नहीं देखे? हाँ। तो देखिए कुछ लोग जो है वो दिव्य दरबार भी नहीं देखे। आप कहाँ से आए अम्मा? हम कोटा से आए हैं। कोल्डा से? कोटा से। कोटा? अच्छा, कोटा से। दिव्य दरबार देखा आपने? हाँ, हम तो वहाँ पर गए। क्या 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 देखा आपने दिव्य दरबार में? क्या दरबार देखा? मतलब मेरा ये हाजी चल रहा था वहाँ पर। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरे लड़की और मेरे नाती कहाँ है बैठे, उसका पता नहीं। तो देखिए लोग यहाँ जो है दिव्य दरबार में जो हाँ। अच्छा, तो देखिए कुछ लोगों को यहाँ दिव्य दरबार में जिनकी हाजिरी लगी, उसके बाद शास्त्री जी ने जो है एक और दरबार लगाया था, जिसमें जिनको प्रेत बाधाएं होती है उनका भी उन्होंने समाधान किया है। और भी इधर लोग हैं, उधर जान लेते हैं कि क्या कुछ
है लोगों में, कितना उत्साह है। शास्त्री जी की कथा सुनने लोग दूर दूर से आते हैं। पिछले वर्ष भी आयोजन हुआ था शास्त्री जी के कथा का, इस वर्ष भी हुआ। दादा कहाँ से आए आप? पलारी से। पलारी बोलो तो बजा। शास्त्री जी का दिव्य दरबार देखा आपने? नहीं नहीं, हम लोग अभी आके बैठे हैं जी। देखिए कुछ लोग अभी आ रहे हैं, कुछ दिव्य दरबार। तो दिव्य दरबार में इनकी खास बात ये रहती है कि शास्त्री जी जो है अपने पर्चे में जो लिखते हैं वो लोगों के मन में जो बातें रहती हैं, जिनकी समस्याएं रहती है, यानी जिसका वहाँ पर्चा हाजिरी लगता है बालाजी के दरबार में जिनका, उसका वो समाधान, उनकी समस्या का समाधान भी कर देते हैं। उनके मन में जो प्रश्न रहते हैं उसको भी वो लिख देते हैं, उसका समाधान करते हैं, और वो रेंडमली बुलाते हैं लोगों को। और भी देखिए यहाँ, कहाँ से आए आप? दिव्य दरबार देखा आपने? नहीं। देखिए कुछ लोग यहाँ दिव्य दरबार नहीं देख पाए, जो जिन्होंने दिव्य दरबार देखा उनसे हम बात करते हैं कि आखिर उन्होंने दिव्य दरबार में ऐसा क्या देखा। आपने दिव्य दरबार देखा? क्या देखा आपने दिव्य दरबार में? क्या देखा, बाबा जो बोल रहे वही देखा, और क्या देखेंगे। ऐसा तो नहीं था कि किसी को बाबा जी ने, मतलब जिनको जानते हो उसी को बुलाया हो, ऐसा टाइप का कुछ? नहीं लगा। रेंडमली बुलाते हैं? नहीं, जिसका मने हाजिरी लगता है उनको बुलाते हैं, जिनको हनुमान जी बुलाना चाहे। हाँ। तो बिल्कुल, देखिए जिसका बालाजी पे कृपा होगा, जिसकी हाजिरी लगेगी, वही वहाँ तक पहुँच पाता है। तमाम लोग वहाँ मौजूद थे, लाखों की संख्या में यहाँ भक्तों का जो जनसैलाब उमड़ा हुआ है, उसमें से चुनिंदा कुछ लोगों का ही आज हाजिरी लगा है। आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने रायपुर में अपना दिव्य दरबार लगाया था, तो कुछ लोगों की हाजिरी लगी, उनकी समस्या बताया गया, उनकी समस्या का समाधान भी बताया गया। उसके बाद जो प्रेत बाधाएं जिनको थी उनका भी आज समाधान किया गया है। अब उनकी कथा जो है जारी है। कैमरामैन राहुल के साथ राजकुमार मधुकर, रायपुर। इस वक्त